नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज लवन। आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, जो कि बीएससी पार्ट टू के सेकेंड पेपर में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एमएससी सिलेबस में भी है। एमएससी जूलॉजी में रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के ये एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में इस ईयर में था। हम देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी संरचना थोड़ी सी हम प्राथमिक जानकारी इस विषय में प्राप्त करेंगे। थायराइड ग्लैंड को हमारे शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है, जो कि फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर स्थित होता है। ये जो हमारा नेक है, उसमें नीचे की तरफ इन्फीरियर इन्फीरियर यानी कि नीचे की तरफ और सामने की तरफ, यानी नेक में नीचे की तरफ लेकिन सामने की तरफ पाया जाता है। ये आप हाइड बोन देख रहे हैं। हाइड बोन इस हड्डी से ही जीभ, जो टंग है हमारी, वो जुड़ी रहती है। उसके नीचे ये थायराइड कार्टिलेज है, नीचे की ओर ट्रेकिया है, और इन दोनों के बीच पे ही ये थायराइड ग्लैंड स्थित है। इसके जो दोनों ओर हम देख पा रहे हैं कि कॉमन कैरोटिड आर्टरीज स्थित हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है, काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो सिक्रीशन है थायरोक्सिन और जो थायराइड के हॉर्मोन्स हैं, उनका प्रभाव शरीर की समस्त कोशिकाओं के ऊपर पड़ता है। ये ना कि केवल वयस्कों में इंपॉर्टेंट होता है, एडल्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि जब कोई बच्चा अपनी भ्रूणावस्था में है, अपने माँ के गर्भ में है, तब भी जो उसका थायराइड ग्लैंड होता है, उसका सिक्रीशन काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही मात्रा पे उस समय उसे थायराइड ना मिल पाए, थायराइड और हॉर्मोन्स ना मिल पाए, तो उसके मस्तिष्क का और शरीर की बाकी जो आवश्यक अंग हैं, उनका सही विकास नहीं हो पाता है। हम देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं, लेफ्ट लोब राइट लोब। लेफ्ट लोब और राइट लोब को लेफ्ट लोब और राइट लोब को बीच में एक सेतु जोड़ता है, जिसे हम इस्थमस कहते हैं। इस इस्थमस में ही ऊपर की तरफ एक छोटा सा पिरामिडल लोब पाया जाता है। ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड में पिरामिडल लोब पाया जाता है, तो इसका आंसर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है मुख्यतः तीन हॉर्मोन्स हम मानते हैं बनाता है। 90% T4 थायरोक्सिन बनाता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। 10% ट्राईआयोडोथायरोनिन बनाता है, जो कि एक्टिव थायराइड हार्मोन है। और कुछ मात्रा में इसमें जो सी सेल्स पाई जाती हैं, हम आगे देखेंगे, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन भी बनाती हैं, जो कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस का काम करता है। थायराइड ग्लैंड में इसे आप भी फिर ध्यान में लाना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्षमता पाई जाती है कि ये अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने के बाद कुछ समय तक स्टोर करने की भी क्षमता रखता है। जनरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ऑन डिमांड जो है हॉर्मोन से सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट कर देते हैं। स्टोरेज की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन थायराइड ग्लैंड यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स को संचित करने की भी क्षमता काफी हद तक पाई जाती है। आगे हम देखेंगे इसका भ्रूणीय विकास। जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं फेरिंग्स में, वो भ्रूणावस्था के तीसरे से चौथे सप्ताह में थायराइड ग्लैंड का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। ये जो आप लंबी सी ऐसी डक्ट देख रहे हैं, नलिका देख रहे हैं, इसका नाम है थायरोग्लॉसल डक्ट। इस थायरोग्लॉसल डक्ट से ही थायराइड ग्लैंड की उत्पत्ति होती है। और इसके जो बगल के जो ये क्षेत्र हैं, जो लाइट ब्लू है, वो सब थायराइड ग्लैंड का निर्माण करेगा, लेकिन जो डार्क ब्लू, जो पर्पल कलर दिख रहा है, उससे पैराथायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है। इसमें फिफ्थ वीक में, एंड ऑफ द फिफ्थ वीक, जो भ्रूणावस्था के 5वां सप्ताह होता है, उसमें ये थायरोग्लॉसल डक्ट से डीजनरेट हो जाता है, और अगले 2 सप्ताह में ये अपना स्वतंत्र थायराइड ग्लैंड अपने क्षेत्र में आकर स्थित हो जाता है। फीटल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी भी टीआरएच और टीएसएच हार्मोन श्रावण करना प्रारंभ कर देती हैं। ये जो टीएसएच का सिक्रेशन होता है, भ्रूणावस्था में ही इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट इसका सिक्रेट होने लगता है कि 11वें सप्ताह में हम इसे माप सकते हैं टीएसएच को, और 18 से 20th वीक, यानी भ्रूणावस्था के 18वें सप्ताह से
20वें सप्ताह तक T4 सिक्रेशन भी मापा जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके जो मेन हार्मोन है वो कौन कौन से हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो सभी टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं। अमीनो एसिड है टायरोसिन, इसके उत्पन्न हार्मोन्स होते हैं, जो कि हम इस लेक्चर में हम इन्हीं पे फोकस करेंगे जो टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं। जैसे आप इस डायग्राम पे देख रहे होंगे कि चार आयोडीन जुड़े हुए हैं टायरोसिन में, तब ये थायरोक्सिन कहला रहा है। तीन आयोडीन है जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, आयोडीन मॉलिक्यूल्स ट्राइआयोडो थायरोडीन, और एक रिवर्स T3 जो कि इनएक्टिव T3 हार्मोन होता है, और इसके साथ साथ कैल्सिटोनिन भी सिक्रेट होता है जो कि सी सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। कैल्शियम होम्योस्टेसिस का ये काम करता है। ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है और जो इसके इस मॉलिक्यूल के जो IUPAC नेम है यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर डिटेल इस डायग्राम पे शो हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि थायराइड हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से TRH का श्रावण होगा, जो TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करेगा। ये तो सभी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस TRH बनाता है, लेकिन ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाइपोथैलेमस का कौन सा रीजन है जो ये TRH बना रहा है। तो पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस यानी एग्रीगेशन ऑफ जो न्यूरॉन्स है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियस बोलते हैं। जो न्यूरॉन्स का समूह है CNS के जब अंदर होता है तो वो न्यूक्लियस कहलाता है, और CNS के बाहर हम उसे गैंग्लियन कहते हैं। तो ये पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का, ये TRH स्रावित करने का काम करता है। उसके प्रभाव में पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को T4 और T3 के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। ये जो T4 और T3 हैं थायराइड ग्लैंड में जब काफ़ी मात्रा में बन जाते हैं, ये टिश्यूज में रिलीज होते हैं और अपने एक्शन को प्रकट करते हैं। जब अधिक मात्रा में ब्लड में T4 T3 सर्कुलेट होते रहते हैं तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और थायराइड एक्सिस HPT जो एक्सिस है उसके फीडबैक सिस्टम से जाकर ये एक इनहिबिशन लूप बनाते हैं, और हाइपोथैलेमस को खुद के ही श्रावण को प्रेरित करने वाले जो TRH है उसे संदमित करते हैं, इनहिबिट करते हैं। थोड़ी सी हमें हिस्टोलॉजी जानना जरूरी है थायराइड ग्लैंड की। देखिए, ये जो आप सर्कुलर सेल्स देख रहे हैं, एक फॉलिकल है थायराइड का, इसके बीच में जो पीला द्रव आपको दिख रहा है ये कोलॉइड है। यहाँ पर कोलॉइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं जिन्हें हम थायरोसाइट भी बोलते हैं, ये जो थायरोसाइट है ये थायरोग्लोबुलिन यहाँ पे रिलीज करेंगी, और ये जो बाहर की तरफ हम देख रहे हैं परिधि में कुछ कोशिकाएं जो पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल कहलाती है, ये कैल्सिटोनिन सिक्रेट करने का काम करती है। ये यहाँ पे इलस्ट्रेटिव डायग्राम है, ये इसका जो हम कहते हैं TS यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो थायराइड फॉलिकल है इन फॉलिकल्स में ही थायराइड हार्मोन का निर्माण शुरू होता है। ये जो आप देख रहे हैं एक डायग्राम है, जो इनएक्टिव सेल है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें कोलॉइड दिख रहा है, लेकिन जो थायरोसाइट कोशिकाएं हैं थोड़ी कम दिख रही हैं। एक्टिव सेल्स में कोलॉइड की मात्रा कम हो जाती है, ये रीअब्जॉर्प्शन लैकुनी बन जाते हैं और ये बड़े आकार की एक्टिव सेल्स हमें दिखाई देने लगती हैं। जो कोलॉइड है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है। आगे हम देखेंगे कि थायरोग्लोबुलिन क्या है। थायरोग्लोबुलिन एक किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन होमोडाइमर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ बच्चे जो MSc के इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनसे मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है ये तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन का होमोडाइमर है कि हेट्रोडाइमर है, अगर होमोडाइमर है तो कितनी यूनिट्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स इसमें 330 किलो डाल्टन पॉलीपेप्टाइड पाई जाती हैं। इसमें
70 टायरोसिन रेसिड्यूज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही थायराइड हॉर्मोन्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं। पूरे के पूरे 70 टायरोसिन रेसिड्यूज थायरोक्सिन हॉर्मोन या थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बनाते हैं। ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बनता है, इसका संश्लेषण थायरोसाइट्स, जो हमने पुराने सेल डायग्राम में हमने देखा था, थायरोसाइट्स में ये पाया जाता है। और थायरोसाइट्स की ईआर और गॉल्जी बॉडीज के द्वारा ये बनाया जाता है, और कोलाइड में एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है। मैं आप लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षण चाहूँगा, जैसे ये यहाँ पे मैं इमेज में बना रहा हूँ, ये साइट की जो कोशिकाएं होती हैं ये थायरोसाइट्स हैं, इन थायरोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट किया जाएगा कोलाइड में। तो जो बीच का जो एरिया है पीले कलर का, पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, जो पीला जोन था वो कोलाइड था, उस कोलाइड में थायरोग्लोबुलिन सिक्रीट होता है। यह फॉलिकुलर सेल्स के लुमेन में पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज इसमें पाए जाते हैं। यही एक बैकबोन स्ट्रक्चर बनाएगा थायरोग्लोबुलिन थायराइड के हॉर्मोन्स के लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आयोडीन। आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है। आयोडीन जो है हमें डाइट्री आयोडीन आहार से प्राप्त होता है, जो हम नमक खाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, जिसे हम फोर्टिफाइड सॉल्ट कहते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब यह होता है कि हम किसी खाने के सामान को ज़्यादा एनरिच कर रहे हैं, उसमें खाद्य सामग्री में अतिरिक्त पोषक तत्व मिला रहे हैं, और वो पोषक तत्व स्थायी होते हैं। हम अभी जनरली नमक में ये आयोडीन प्राप्त करते हैं, नमक से आयोडीन प्राप्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आना चाहिए कि क्यों हम केवल नमक में ही आयोडीन डालते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि शक्कर को आयोडीन युक्त बना दें। तो नमक में डालने का एक काफ़ी बेसिक रीज़न ये भी है कि सॉल्ट जो है NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, वो शुगर की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जो आयोडीन होता है। और नमक में जो हमारे देश में हम खाते हैं पोटेशियम आयोडेट, या इस पोटेशियम सॉल्ट्स के रूप में हमें आयोडीन जो है नमक के साथ प्राप्त होता है। जनरली 500 माइक्रोग्राम हम आहार के रूप में आयोडीन ग्रहण करते हैं। ये हम देख रहे हैं आयोडीन मेटाबॉलिज्म, 500 माइक्रोग्राम जो है डाइट में हमें मिलता है, और ये जो 500 माइक्रोग्राम हमें आहार के माध्यम से मिल रहा है, इसका 120 माइक्रोग्राम थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है, जिसका 40 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में निकाल दिया जाता है, 80 माइक्रोग्राम T3 और T4 के रूप में लीवर या अन्य ऊतकों में पहुँचता है, और इसकी कुछ 60 माइक्रोग्राम्स आयोडीन की मात्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में निकाल दी जाती है, जहां से ये यूरिन और कुछ बाइल के रूप में निकाल दी जाती है 20 माइक्रोग्राम्स, जो कि मल के रूप में, स्टूल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम ऐसा सोचें कि बहुत सारा आयोडीन खा लिया जाए, जिससे कि बहुत सारे थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में बन जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्फ चायकॉफ इफेक्ट। ये वोल्फ चायकॉफ इफेक्ट यह है कि सामान्य व्यक्तियों में अगर आयोडाइड की मात्रा, जो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में आयोडीन घूम रहा है, अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो ये ऑर्गेनिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है उसको रोक देता है आयोडीन की ऑर्गेनिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, उसे ये रोक देता है। अब स्टेप्स क्या क्या है थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में, बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड आयन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन रेसिड्यूज, रिलीज ऑफ T3 एंड T4 इन ब्लड। मैं इसका आउटलाइन थोड़ा थोड़ा आपको साइट के माध्यम से दिखाऊंगा, और एंड में एक इमेज के माध्यम से इसे डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आयोडीन हमारे रक्त में पहुंचा हुआ है आहार के माध्यम से, लेकिन वो थायराइड तक कैसे आएगा, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन कैसे मिलेगा।
तो थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिल सके इसलिए वहां पर एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है। सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर पाए जाते हैं। सिंपोर्टर का मतलब है कि सोडियम भी अंदर की ओर आएगा और आयोडीन भी अंदर की ओर आएगा। ये जो है दो सोडियम आयन के साथ साथ एटीपेस पंप की सहायता से आयोडीन को अपनी ओर आकर्षित अपनी ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है जब सेल में आयोडीन थायराइड की कोशिकाओं में आयोडीन लाया जाता है इसे आयोडाइड ट्रैपिंग कहा जाता है। ये भी TSH की जो मात्रा है रक्त में उसके द्वारा प्रभावित होता है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है पेंड्रिन। अगर आप CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का देखेंगे दिसंबर या जून का तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, इस प्रोटीन के बारे में पूछा था कौन सी प्रोटीन जो रहती है ये काम करती है। तो पेंड्रिन प्रोटीन जो है एक क्लोराइड आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्टर है। ये थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल में आयोडीन को खींचने का काम करती है। दूसरा है आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन। जो थायराइड हार्मोन है इसके संश्लेषण का ये पहला बेसिक स्टेप हम कह सकते हैं कि जो आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज आयोडीन या नेसेंट आयोडीन के रूप में हमें प्राप्त हो सके, क्योंकि यही जो रूप होता है ये अमीनो एसिड टायरोसिन के साथ बाइंड करता है। इस प्रक्रिया के लिए यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रक्रिया के लिए परोक्सीडेज एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है। ये परोक्सीडेज एंजाइम जो है हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ मिलकर काम करता है, आयोडीन का ऑक्सीकरण करता है। अगला पॉइंट है ऑर्गेनिफिकेशन। थायरोग्लोबुलिन हमें मिल तो जाएगा, वहाँ फॉलिकल में थायरोग्लोबुलिन मिलेगा कोलाइड में, लेकिन इसमें आयोडीन को अब हमें जोड़ना रहता है। ये जो प्रोसेस होती है ये इस प्रकार होती है कि थायरोग्लोबुलिन के एक 1/6 भाग के साथ आयोडीन बाइंड करता है। इस प्रोसेस में परोक्सीडेज एंजाइम इस प्रोसेस को कैटलाइज करने का काम करेगा। अभी हम बेसिक स्टेप्स देख रहे हैं, आगे जाके हम इसे डिटेल में देखेंगे। चौथा होता है कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन। देखिए टायरोसिन जो परोक्सीडेज एंजाइम की सहायता से टायरोसिन मोनोआयोडोटायरोसिन डाईआयोडोटायरोसिन उसके बाद T3 RT3 T4 ये बन जाते हैं। अब काम के तो हमारे T3 और T4 ही हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं, जो आगे मैं स्लाइड में आपको डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करूंगा। तो T3 और T4 तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक मैगलिन प्रोटीन होती है उसकी सहायता से डाईआयोडोटायरोसिन और मोनोआयोडोटायरोसिन में जो आयोडीन जुड़ा हुआ है इसे यूटिलाइज किया जाता है। बॉडी काफ़ी मितव्ययी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, क्योंकि आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो T3 और T4 के आयोडीन तो हमारे काम आएंगे, लेकिन जो ये कंपाउंड्स हैं जिसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है तो इससे वापस भी हमको आयोडीन निकालना रहता है। तो वो मैगलिन एक प्रोटीन होती है वो ये काम करती है। आगे हम देखेंगे फिर जब T4 T3 आ गए एक साथ कोशिका में तो पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा वो अंदर खींचे जाते हैं, और इसके बाद प्रोटीएस एंजाइम उनको क्लीव करता है, ब्लड में फिर रिलीज होने का काम होता है। ये जो प्रोटीन का मैंने आपको पिछली स्लाइड में नाम बताया था मैगलिन, जो अतिरिक्त थायरोग्लोबुलिन है और आयोडीन है उसे ये वापस एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब हम समराइज पाथवे यहाँ पे देखेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से देखें, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा। जो अलग अलग स्टेप थे उसे मैंने इसमें यहाँ पे एक साथ 1 2 3 4 5 नाम कर दिया है। आप इस इमेज का इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके काम आएगी। देखिए सबसे पहले तो ब्लड में जो आयोडीन घूम रहा है ये आयोडीन आयोडाइड सॉल्ट आयोडाइड के रूप में रहता है। सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर इसे रिसीव करती है। ये जो सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर है अंदर पेंड्रिन प्रोटीन के माध्यम से थायराइड फॉलिकल के कोलाइड में इसे पहुंचाने का काम करते हैं।
इसी दौरान न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के पास एसोसिएटेड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन बनता रहता है। इस थायरोग्लोबुलिन को एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा थायरोग्लोबुलिन को रिलीज किया जाता है। तो ये जो वन लिखा हुआ है, ये हमारा पहला चरण था। अब इसके बाद ये जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड जो है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा नेसेंट आयोडीन में बदल जाता है। ये हमारा सेकेंड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस ये होता है कि ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल था, इस थायरोग्लोबुलिन में अब आयोडीन जुड़ने का काम होगा। जो पर्पल डॉट्स आप देख रहे हैं, ये सभी आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं। पर्पल डॉट्स आयोडीन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप ये होगा कि ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार ब्रांचेस दिख रही हैं। अब इनमें जो है कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे ये अब एक के ऊपर एक दो साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ गए। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया जो है फोर्थ स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बना था, ये अंदर आ जाता है, थायराइड की फॉलिकुलर सेल में पहुंच जाता है। थायराइड की फॉलिकुलर सेल में पहुंचने के बाद इसमें प्रोटियोलिसिस की प्रक्रिया होगी। प्रोटियोलिसिस की प्रक्रिया से होगा ये कि ये जो थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स से T3 और T4 अटैच्ड हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार आयोडीन जिसमें दिख रहे हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ तक ये T4 है। 1 2 3 जो तीन आयोडीन दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो मॉलिक्यूल है वो T3 है। इस साइड का T3 और उधर वाला ऊपर ऊपर की तरफ वाला T4। अब अंदर की तरफ जब प्रोटियोलिसिस की क्रिया होएगी, जिससे क्या होगा, ये थायरोग्लोबुलिन का जो स्ट्रक्चर है ये तो टूट जाएगा, लेकिन T4 और T3 रिलीज हो जाएंगे सेल में। अब ये थायराइड के अंदर तो T4 और T3 बन गए, लेकिन अब बात है इन्हें वापस ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने की। तो एक मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर MCT, मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर, ये काम करता है कि जो थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 T4 बने हुए हैं, इन्हें ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से अब ये थायराइड हॉर्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट सेल्स में काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, थायराइड हॉर्मोन्स के लिए कोशिकाओं में रेटिनॉइड रिसेप्टर पाए जाते हैं। दो टाइप के हम रिसेप्टर्स पढ़ते हैं, जनरली जो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और दूसरे जो न्यूक्लियर या साइटोसोलिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो रेटिनॉइड रिसेप्टर इसे थायराइड हॉर्मोन को DNA तक पहुँचाने का काम करते हैं। थायराइड हॉर्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट क्षेत्र पाया जाता है DNA में, वो ऐसी जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है कि टारगेट ऑर्गन्स के लिए स्पेसिफिक mRNA और प्रोटीन्स बनती हैं, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों, वृद्धि, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, इनसे संबंधित कोशिकाओं, संरचनाओं, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मेटाबॉलिज्म से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को ये थायराइड हॉर्मोन्स प्रेरित करने का काम करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इतनी अधिक वृहद मात्रा में हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, इसलिए थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और आयोडीन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ प्राथमिक जानकारी थायराइड के संबंध में जरूर प्राप्त हुई होगी। इसके साथ साथ आपको थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं थायराइड हॉर्मोन्स के, वो भी पढ़ना पड़ेगा। समय ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से हम इसमें उसे कवर नहीं कर रहे, लेकिन उसे आप जरूर पढ़िएगा। इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैंने इन किताबों का उपयोग किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके ज्ञान का वर्धन करेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।